क्या कहेंगे? ये बताओ हमें, मुझे जब वो डॉक्टर के पास जाएगा, फीस 700 रुपये उसे भी देनी है, आपको भी देनी है, तो उसकी फीस कहाँ से निकलेगी? कहाँ से निकलेगी? कार लेने जाते हो, उससे पूछे हो भैया 2 लाख की दे रहे हो, 4 लाख की है, अरे 3.5 लाख की दे दो, बोलते हो क्या उससे? कभी बोलते हो? जहाँ आपको कम कराना चाहिए वहाँ तो आप नहीं कराते हो। उस सब्जी वाले के पीछे क्या जुड़ा है, उसके पीछे आपको नहीं पता है, उसकी परिस्थिति क्या है उसे नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है, लेकिन हम क्या करेंगे, सारा रुतबा उसमें दिखाएंगे, धनिया भी दे देना उसमें, मिर्ची भी डाल देना उसमें, सब कुछ दे दो उसे। तो मेरा कहने मतलब, अगर हम 2 रुपये ज़्यादा अगर देंगे ना, मैं गारंटीज कह रहा हूँ, आपका सोचने का नज़रिया, उसका सोचने का नज़रिया, आपके प्रति सारा चेंज हो जाएगा। हम बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, कभी जूता चप्पल टूट गया, हम मौसी के पास चले गए, ठीक है ना, उसने पूछा अंकल ये सही कर दो कितने पैसे लोगे, और वो देख देख के थोड़ी देर बोलेगा 20 रुपये, हैं पहले तो 5 रुपये में कर देते, अब 20 रुपये। सारी चीज़ें उसके साथ भी तो वही जुड़ी जो आपके साथ जुड़ी हैं। तो हम समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में नहीं ले जाना चाहता हूँ, मैं फिर आ रहा हूँ कि कभी आपके मन में ये आएगा मैडम पढ़ाती हैं, किसके अगली क्लास जो होगी आगे, जब भी कोई लगेगा तो मैं पढ़ाऊँगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को इतना डेवलप करना पड़ेगा कि इस स्टेज पर आके खड़े होकर बोलने पड़ेगा। कितने लोगों ने बीलेव और एमलेव रेगुलर किया है, कंटिन्यू क्लास जा जा करके, अब देखो फिर मैं वापस वहीं आता हूँ, अगर उन्होंने ईमानदारी से बताया, अगर ईमानदारी से बताया, कैसे किसी लड़के ने चोरी की और उसके प्रिंसिपल ने बोला बेटा बता दो तो मारूंगा नहीं, और उसने बता दिया और फिर उसको मारा, तो कभी ज़िंदगी में सच बोलेगा क्या? बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। तो इसी तरह हमारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। हमने बिलीव पढ़ाई की, मुझे पता है मेरी मैडम आती थी, हम लोग सब धर धर के कांपते थे। क्यों कांपते थे? उन्हें पता है, वो एक एग्जांपल देती थी कि जब मैं किचन में जाती थी, मुझे अगर कोई रात में सोते पूछेगा कि जीरा कहाँ रखा है, तो हम बता दें खिड़की खोलना, दूसरे नंबर की डिब्बी उठाना, उसमें जीरा मिलेगा। तो क्या हमें ये चीज़ें अपने अपने जीवन में या स्टडी के साथ ही एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए? आप देखिए घर में माता जी हमारी हैं या दादी थी, कितनी पढ़ी थी पहले, और उनको वो आता था जो उनके लिए जीवन के लिए नहीं, हमारी जीवन के लिए आवश्यक था। तो मैडम हमारी जब भी आती थी, मैनेजमेंट पढ़ाती थी, तो वहीं शुरू करती थी वो। जैसा हम अपने आप को मैनेज करेंगे, हमारे साथ में हमारे लोग देख करके हमको सीखेंगे, कुछ हमारे हम पढ़ के सीखेंगे, कुछ हम देख करके सीखेंगे। तो सिखाना हम ही को है, सीखना भी हम ही को है। अगर मेरे पिताजी रोज़ अगर मंदिर जाते हैं या जाए कहीं भी जाते पूजा करने के लिए, कहीं भी जाते सपोज दैट, तो हमको नहीं लगता कि जाना चाहिए, उनके कहने पर जाना चाहिए क्या? या हमको लगता है कि हम किसी अच्छी जगह जाते हैं तो हमारे विचार सुन हो जाते हैं, तो हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो ये चीज़ें आपके स्किल डेवलपमेंट में काम करती हैं, अपने आप को प्रूव करती हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको बहुत व्यवहारिक बनाएंगी। ठीक है ना? अच्छा, अब मैंने तो अपना काम जो करना था वो तो कर दिया, अब हम लेते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है ना? आपके मन में जो भी आप पूछ सकते हो पूछिए। बोर हो गए क्या? हैं? लगता वैसे ही रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे आने का आपको पता था? पता था? पता था? इंतजार भी किया? तो 2-4 क्वेश्चन मेरे लिए क्यों नहीं रखे निकाल करके? सर आएंगे तो हम पहले यही हिट करेंगे। हैं? मैं किताब वाले को संगे लाया हूँ, मैं अभी आ रहे गर्ग बुकास वाले, ठीक है ना? हाँ यही मेरे साथी हैं वो। इनका एक क्वेश्चन आया है कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर करेंगे, बताओ। बताओ बताओ बताओ
कैसे करेंगे एग्जाम क्लियर? क्या कह रहे हैं दोबारा था ना? हाँ, दो चीज़ें देखो, दो चीज़ें होती हैं, मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, सुनो दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ मिनट सुनिए। इनका एक क्वेश्चन था कि विश्व में सबसे पहला पुस्तकालय कहाँ हुआ था, उसकी सन में डिफरेंस है। दो चीज़ें मैं बताता हूँ, मैं आपने पुस्तकालय अधिनियम पढ़े हैं? पढ़े ना? नहीं नहीं, उन्होंने दूसरा पूछा है, मैं बता रहा हूँ। ना ना, अधिनियम नहीं पूछा, अधिनियम पूछा आपने। मैं दो चीज़ें बताता हूँ उसके बारे में, बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल लेके जा रहा हूँ उसी पर। दो चीज़ें होती हैं, एक तो अधिनियम जब हमारा बनता है, एक अधिनियम हमारा क्या होता है, कंपोजिंग होती है, वो एक प्रोसेस पे जाता है। प्रोसेस मतलब उस राज्य की असेंबली में जाएगा, लोग करना जो राज्यसभा होती है उसमें जाएगा, प्रोसेस होने के बाद जब वो जा करके पारित होने के बाद जाएगा, पारित हो जाएगा, काम ख़त्म किसका, अब उसका काम आता है लागू कराने का। तो इनका क्वेश्चन है कि 1948 में पहले लागू हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल 1950 से उसको उस राज्य में लागू किया गया। पारित कब हुआ? 48 में। हाँ, मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले अपने अधिनियम की बात कर रहा हूँ, वो उनकी मैं बताऊँगा, वो उनकी बता रहा हूँ, उन्हीं पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि एक तो वो क्या, वो पारित कर दिया उन सरकार ने, लेकिन उस सरकार को लागू कौन करा रहा है और कब से लागू कर रहा है, एक चीज़ के दो थिंग हो गए। अगर आप उनको मिक्स करोगे, अगर आप मिक्स करोगे तो आप खुद कंफ्यूज होगे, दूसरे को भी कंफ्यूज करेंगे। आप दोनों क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए उसको। एक एग्जांपल और देता हूँ, यूडीसी का फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1895। फिर बताओ, 1895 में। उसका पहला एडिशन 1895 में आया था, वो उस देश की, उस कंट्री की भाषा में था, उस कंट्री की लैंग्वेज में था, उसको इंटरनेशनल एडिशन बनाने के लिए 1905 में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया, तब वो हमको मिला। हैं दोनों अलग अलग थिंग्स? हैं अलग अलग दोनों थिंग्स? ये बहुत, ये तब चीज़ें आती हैं जब डीप स्टडी करते हो आप। हैं नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपके पास ऑप्शन आ गए तो आप कैसे